हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। क्या आपको लगता है कि आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर वायरस आ चुका है और आपके पास एंटीवायरस भी नहीं है? तो ये खास वीडियो आप लोगों के लिए है। आप बिना एंटीवायरस भी आप अपने कंप्यूटर से वायरस है वो निकाल सकते हो। कैसे? तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें, तभी आप जान पाओगे कि आप अपने कंप्यूटर से विदाउट एंटीवायरस के भी वायरस है वो कैसे फाइंड आउट करें और उसको निकालें। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो है वो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, यदि आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप के अंदर यदि वायरस है और आपके पास एंटीवायरस खरीदने के लिए पैसे हैं, तो आप एक अच्छा पेड एंटीवायरस है वो परचेज कर लीजिए, ताकि आपके कंप्यूटर में जो वायरस है वो आए नहीं। क्योंकि आजकल के टाइम में इंटरनेट यूज़ हर कोई करता है, और ऑब्वियसली जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो मोस्टली आपके कंप्यूटर के अंदर है वो एंटीवायरस स्कैन करता रहता है, जिससे कोई भी नेट से कोई भी मार्शियस कोड या मान लो किसी भी टाइप का कोई भी वायरस होता है वो इंटरनेट से हमारे पीसी के अंदर है वो नहीं आता है। यदि आप अच्छा पेड एंटीवायरस यूज नहीं कर रहे हो तो मोस्टली वायरस है वो इंटरनेट से आ ही जाता है, इंटरनेट से वायरस आ जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग नेट है वो यूज करना है वो बंद कर देंगे, बिल्कुल भी है वो बंद नहीं करेंगे। इसीलिए या तो आपके पास यदि आप एंटीवायरस परचेज कर पाते हो तो एक अच्छा एंटीवायरस है वो परचेज कर लीजिए, नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आज के इस वीडियो में मैं पूरा आपको प्रूफ बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर से वायरस है वो फाइंड आउट करके कैसे निकालोगे। तो पूरा वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके किसी कंप्यूटर ड्राइव के अंदर कोई भी वायरस है और वो डिलीट नहीं हो रहा है, तो मैं जो आपको स्टेप बता रहा हूँ उन स्टेप को फॉलो करें। CMD की हेल्प से आसानी से आप किसी भी कंप्यूटर वायरस को रिमूव कर सकते हो। कैसे? तो मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूँ वो वन बाय वन है, वो फॉलो करें। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में कमांड पोर्टल को एडमिनिस्टर के मोड पे ओपन करना है। तो यहाँ पे लिखना है CO, ये देखिए कमांड आ गया यहाँ पे। इसको यहाँ पे रन एज ए एडमिनिस्टर पर वो क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यस कर देना है आपको। तो ये हमारा है वो कमांड पोर्टल है वो ऑन हो गया। अब आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप। आपको लगता है कि आपके जैसे मान लो मैंने डी ड्राइव के अंदर कुछ वायरस की फाइलें डाली है, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं प्रैक्टिकल तौर पे कि वास्तव में ये वर्क करता है या नहीं करता। इस वजह से मैंने 3-4 फाइलें वो डाली है, देखते हैं वो इसको शो करके दिखाता है आप लोगों को या नहीं दिखाता है। तो सपोज मान लो मैंने वो डी के अंदर डाली थी, तो मैं यहाँ डी और डबल कोमा है वो कर दूंगा। ये वाली नहीं करनी है आपको, शिफ्ट के साथ ये वाली करनी है और एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टाइप करना है ATTRIB और टाइप करके इंटर कर देना। तो ये देखिए मेरे जो कंप्यूटर में जो वायरस फाइलें हैं जो अब डिलीट भी नहीं हो रही है, और ये वायरस फाइलें हैं तो इनको मुझे डिलीट करना है अपने पीसी से, ताकि वो फाइलें हैं ये जो वायरस वाली फाइलें हैं वो डिलीट हो सके यहाँ से। तो मैं कैसे डिलीट करूँगा, तब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों। यहाँ पर आपको टाइप करना है, तो मैं जो जो स्टेप आपको बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से देख लीजिए, किसी भी प्रकार की मीनिंग की है वो गलती न करें। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है ATTRIB और आपको ये डबल लाइन वाला ये लगाना है। उसके बाद लिखना है आपको, ये टाइप करना है ATTRIB। टाइप करने के बाद आपको टाइप करना है आर, फिर आपको ऐसा सिंबल लगाना है, फिर टाइप करना है आपको, उसके बाद टाइप करना है आपको ए, फिर आपको ऐसा सिंबल लगाना है, फिर आपको टाइप करना है एस, फिर आपको सिंबल लगाना है और एच टाइप करना है।
और उसके बाद आपको स्टार टाइप करके डॉट लगा के फिर स्टार है वो टाइप करना है। तो इन स्टेप को आप फॉलो देके इनको टाइप करने के बाद में आपको अपने पीसी के अंदर क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से एंटर है वो दबा देना है। तो जैसे आप एंटर दबाओगे तब आपका कमांड है और प्रोग्राम और बीच फाइल हो गया। अब कोई भी फाइल आपको डिलीट करनी है तब आप वहाँ पे डिलीट ऑटो रन लिख दोगे। कैसे, तो देखिए आपको लिखना है डिलीट, उसके बाद स्पेस लिखना है, फिर आपको लिखना है AUTORUN ऑटो रन डॉट INF टाइप करके इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करोगे तो ये फाइलें वो डिलीट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपने कंप्यूटर से वो वायरस है वो निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है ही जो मैंने अभी आपको बताया। एक तरीका आप अपने पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर टास्क बार से भी आप वायरस को वो फाइंड आउट कर सकते हो और उसको द एंड प्रोसेसिंग कर सकते हो। कैसे, तो चलिए वीडियो देखते हैं। अब भी अगर आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है या फिर कोई भी मालवेयर एडवेयर या सैपीवेयर बैकग्राउंड में रन हो रहा है, तो आपको एक बार अपने टास्क मैनेजर में रन हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, उसको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। कैसे चेक करेंगे वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के अंदर है वो बात करने वाले हैं। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको टास्क मैनेजर है वो ओपन करना है। टास्क मैनेजर आपको शॉर्टकट के अंदर ओपन करने के लिए पता ही है क्या करना है, शिफ्ट अलर्ट और स्कीप की दबाना है। जैसे आप दबाओगे तब आपका टास्क मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। अभी देखो कैमटीशिया है वो रन हो रहा है। तो आप सो मोड पे करें और यहाँ पे सबसे पहले सीपीयू की जो प्रोसेसिंग हो रही है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है। तो उससे पहले हम लोगों को क्या करना है कि अपने टास्क मैनेजर में ओपन करके और प्रोसेसिंग पर है वो चेक करना है। तो मेरे वाले में प्रोसेसिंग आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या प्रोग्राम है जो है टास्क मैनेजर में प्रोसेसिंग हो रही है। तो आपको ऐसा लगे कि आपके पीसी के अंदर सारी प्रोसेसिंग को चेक करना है और आपको कोई भी लगे ऐसा कि अननोन जिस फाइल को आप जानते नहीं और वो प्रोसेसिंग पे लगी हुई है, तब आप उसको सबसे पहले राइट क्लिक करके एंड प्रोसेसिंग करें और फिर फाइल के लोकेशन में जाकर उसे डिलीट कर सकते हैं। कैसे, सपोज मान लो मुझे ये कोई फाइल का पता नहीं है कि ये कौन सी फाइल है जो अभी प्रोसेसिंग हो रही है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एंड करना है। एंड करने के बाद में आप डायरेक्ट है वो फाइल की लोकेशन पे भी जा सकते हो। यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे ओपन द फाइल लोकेशन, और आपको लगे कि इस फाइल के अंदर वायरस है तो आप इसको यहाँ से वो डिलीट कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ से ओपन करके। तो जैसे आप ओपन करोगे तो ये देखिए फाइल की लोकेशन बता रहा है, और आपको लगता है कि ये वायरस है तो आप वहाँ से उसे डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको देने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वो ज़रूर करें। अब सब्सक्राइब बटन वाले के साथ आप क्या तोड़फोड़ करते हो, लेकिन अब सब्सक्राइब वो हो जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।